यहाँ पे हम लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि देख सकते हैं। जय हिंद भाई, पहले अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, देख सकते हैं चिंचा जी, जी जी हाय गाइस, ये लकड़ी पैक हो जाता है। देखिए सब कुछ पैक लगा चुका है। यहाँ पे आ गए हैं जो कि लकड़ी की व्यवस्था में, हम और मंजेश जी सब भगवान लाट के पुरिया पड़ी। हाय गाइस, अभी यहाँ पे पिकनिक हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, सभी लोग आराम से खाना वाना खाए हैं। और गाइस अभी हम लोग आ रहे थे उसी जंगल से एक नहा रहे हैं घर जाते समय, और यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों से दिखा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और यह 2023 है। तो 2023 में हम लोग आ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 5-6 लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और हमारे दोस्तों की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग चलते हैं अभी बसुली के जंगल में, बसुली के जंगल में चलेंगे और वहीं पे खाना वगैरह बनाएंगे, जो कि देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे भाई लोग बर्तन वगैरह सब कुछ ले लिए, और हम लोग सब कुछ ले लिए, और यहाँ पे जय हिंद भाई हम लोग 6 लोग आए थे। तो हम लोग 6 लोग आए थे, और हम लोग चलते हैं आगे और वहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर घूमते हैं, और देखते हैं जो भी कुछ होता है आपको इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं हम लोग का कहाँ पे बनाते खाते हैं, और वहाँ पे भीड़ का माहौल कैसा है। तो यहाँ पे जंगल से हम लोग आ चुके थे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हम मंजेश आए थे दोनों, और यहाँ पे एक नल है, यहीं से हम लोग पानी लिए थे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का ड्रम है और इसमें पानी वगैरह भर चुका है। और हम लोग चलते हैं अब उन लोगों के पास, और वहाँ पे खाना वगैरह का व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। ठीक है यार, आए हर जगह पर दोस्तों। यहाँ से हम लोग चलते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे पब्लिक बहुत है, लेकिन जहीन को अच्छा नहीं लग रहा, कह रहा नहीं हमको सिंगल वाला चाहिए और इस पर भीड़ भाड़ ना हो। तो हम लोग चल रहे हैं एकांत वाला जगह में, तो वहाँ पे हम लोग एकांत में चलते हैं और देखते हैं वहाँ का जगह कैसा होता है, आपको वहाँ पे दिखाते हैं। आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच में, और जो हम आपको पहले दिखाए थे वहाँ से हम लोग एकांत जगह में आ गए हैं, और यहाँ पे सुनसान जगह है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई नहीं है, और यहाँ पे अभी हम ही दो ही लोग आए, हम और मंजेश। यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था हो रही है, तो हम लोग लकड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। दोस्तों हम लोग जंगल से 10 किलोमीटर तो आ ही चुके, और सामान वामान सब कोई देख सकते हैं, ये लोग सामान वाला ला रहे हैं, और गाड़ी अपना इस साइड से आएगा। हम लोग बहुत अजीब जगह पे आए हैं, सुनसान वाला, यहाँ पे कोई नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कोई नहीं है, और ऐसे जगह जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग कभी सोच नहीं सकते हैं, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाना। इसमें लकड़ी वगैरह सब कुछ रखा गया है, और ये पानी, और यहाँ पे बीरू भाई देख सकते हैं मस्त एकदम। हम लोग आ चुके हैं, ये जगह देख सकते हैं कैसा जगह है, ये पूरा विचित्र जगह है, और ये, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एकदम रास्ता पूरा लॉक हो चुका है, और हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अरे ऐसा रोड पे नहीं, यहाँ पे खाना वाना बना सकते हैं, जंगल का रोड है, तो हम लोग यहाँ पे खाली था तो हम लोग यहीं पे बना रहे खाना, और यहाँ पे भाई लोग देख सकते हैं चूल्हा वगैरह सब कुछ रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि देख सकते हैं जय हिंद भाई पहले अपना काम स्टार्ट कर दिए, इनका काम धोना चालू कर दिए, और यहाँ पे बीरू भाई लकड़ी वकड़ी सब लगा दिए। हम लोग चल रहे हैं, पता है कहाँ जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, जो कि देख सकते हैं हम लोग गन्ने के खेत में आ चुके हैं, गन्ना खाने, ये गन्ने के खेत में आ चुके हैं, आप तो समझ सकते हैं जब चूल्हा जलाना है तो पत्ता थोड़ा बहुत ले जाना ही पड़ेगा। हम और मंजेश दोनों लोग गन्ने के खेत में आ चुके हैं, थोड़ा सा तो पत्ता ले चलते हैं इससे, और यहाँ पे गन्ना वाला आएगा तो वो बकायदे से गाली दे देगा, तो हम लोग पत्ता पर ले चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये रहा पत्ता, थोड़ा बहुत तो पत्ता ले जा रहे हैं हम लोग, और यहीं पे
देख सकते हैं संगम भाई और बीरू भाई के ये चूल्हा बना रहे हैं और इसको बस थोड़ा सा इसको चूल्हा जलाना है। और यहाँ पे सूरज और जहिंद भाई दोनों एक लोग मीट काट रहे हैं और एक लोग प्याज काट रहे हैं। और वहाँ पे मंजेश भाई जो कि देख सकते हैं पत्ता वगैरह लेकर आ रहे हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे चूल्हा जलने जा रहा है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम लोग के द्वारा कैसे चूल्हा जला जाता है और हम लोग कैसे खाना बना रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और हम लोग कैसे खाना बना रहे हैं। यहाँ पे आगे अपना जल चुका है ये बीरू भाई की ओर से आगे यहाँ पे जला दिए जो कि देख सकते हैं। और यहाँ पे संगम और सूरज भाई की तरफ से यहाँ पे प्याज कट रहा है जो कि देख सकते हैं ये दोनों लोग प्याज काटने बहुत जल्दी जल्दी खाना ही बन जाए। और यहाँ पे हम लोगों का मीट देख सकते हैं चिकन यहाँ पे धुल चुका है और यहाँ पे लहसुन की बारी है। अब बाकी सामान जो कि देख सकते हैं यहाँ पे देख ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ हम लोग का काम हो चुका है और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं अभी बीरू और बीरू भाई के ओर से अभी काम थोड़ा पेंडिंग में बचा है। हम लोग पांचों के तरफ से उनका काम एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी काम है वो बीरू भाई के ओर से भी थोड़ा रुका गया है जो कि देख सकते हैं अभी लकड़ी थोड़ा जल नहीं रहा है लेकिन थोड़ा पत्ता वत्ता लगा के एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब लोग सब कुछ रेडी हो चुका है वहाँ पे बाजा लेके आओ और यहाँ पे ये भी रेडी हो ही चुका है। बस इसके बाद जो भी कुछ होता है हम आपको दिखाते हैं। लहसुन मसाला डालो से पहले प्याज थोड़ा आगे यहाँ पे हम लोग का जल चुका है और इसमें तेल पड़ चुका है जो कि जहिंद भाई की तरफ से यहाँ पे तेल पड़ा है और जहिंद भाई की तरफ से ये मुस्कुरा रहा है एकदम। और इसमें क्या पड़ने वाला और मिर्चा देख सकते हैं लहसुन डाल यार नो नहीं यहाँ पे लहसुन भी पड़ चुका है खड़े खड़े अभी। और यहाँ पे देख ये संगम भाई डाल दो देखिए अभी हम पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है और प्याज वो डल चुका है अभी मीट उट पड़ेगा पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला हाय गाइस देखिए हम लोग बसुली के जंगल में आए हुए हैं। हाय गाइस को रहता हाय गाइस लकड़ी पैक हो जाता है देखिए सब कुछ पैक लगा चुका है और डुम डुम है संगम भाई कुछ बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर बस ये तो सबको ही बोल दिया पहले भी हैप्पी न्यू ईयर। हां तो दोस्तों हम लोग बना रहे हैं अभी चिकन बनने के बाद हम लोग पैक मारेंगे यहां पर 8 PM लाए हुए हैं खंबा है सेल्फी लो झूठ बोल रहे हैं सब कुछ नहीं आया है। एवरीवन देखिए हम कांटों की झाड़ में भाई 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 यहां पे मंजेश भाई ने यहां पे बहीर का पेड़ देख लिया। ये बहीर का पेड़ है जो कि देख सकते हैं ये बहीर का पेड़ है और ये मंजेश भाई पूरा कांटों से लड़ के जाके देख सकते हैं यहां पे तोड़ रहे हैं। अभी हम आपको बाहर दिखा रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं तो बहिर एक पा चुके हैं जो कि मंजेश भाई अभी दिखाएंगे देख सकते हैं यही मंजेश है भाई मन बहिर है तो हड़ाक से ना है पता दिया धो दियो हाँ तो फिर तो बोले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जो कि लकड़ी की व्यवस्था में हम और मंजेश और बाकी चार लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। और ये मिला एक बहुत खतरनाक पेड़ मिल गया है इसको हम लोग छुड़ा रहे हैं देखते हैं लकड़ी मिल जाएगा तो अच्छा है नहीं मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लकड़ी मिल चुका हम लोगों को ये देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी काफ़ी खतरनाक लकड़ियाँ है जो कि ये पेड़ था तो हम लोग कहीं जाना नहीं पड़ा यहाँ पे नज़दीकी हम लोगों को लकड़ी मिल चुका है यहाँ पे और ऐसे लकड़ियाँ हैं इतना लकड़ियाँ तो हम लोगों का खाना बन जाएगा वहाँ पे हम लोग खाना बन रहा है। और यहाँ पे मंजेश और हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये लकड़ी है तो हम लोग लकड़ी निकालते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का लकड़ी वगैरह मिल चुका है और हम लोग ऐसे जगह पे आ चुके हैं जो कि देख सकते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है और यहाँ से हम लोग लकड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि जंगल में कैसे मिलता है लकड़ी तो हम लोग जंगल से ही लकड़ी निकाल रहे हैं और खाना बनाने के लिए। ये साल का फर्स्ट दिन है और ये पाला आपको पता है
यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पिकनिक बनाए गए होंगे जंगल में, तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, जो कि हम लोग 6 लोग आए हैं यहाँ पे, और 6 लोग जो कि 4 लोग वहाँ पे खाना बना रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे हम और यहाँ पे मंजेश भाई, जो कि देख सकते हैं हम दोनों लोग यहाँ पे लकड़ी निकाले, जो कि इतना ज़्यादा लकड़ी निकल चुका है, और हम लोग बस वहाँ पे चलते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे वो लोग हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों का यहाँ पे खाना चिकन वगैरह बन चुका है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे चिकन वगैरह सब कोई निकाल रहा है, और अभी हम लोग इसको खाते हैं, फिर बात करते हैं कि हम लोगों का चिकन वगैरह पूरा बन चुका है। और हम लोग यहाँ पे 2 घंटे रुके हैं, 2 घंटे के बाद हम लोगों का चिकन बना है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग चिकन बनाए। लाट के पूरी जाए पड़ी हम तो ना चढ़ गए पथरिया आधा लगे जाता ए भाई हम भाई माका फेंक दी दो यार आधा आधा तू जाने वाली की आधा दो यार 4 को हो चुका है आपको बताते हैं जो भी कुछ होता है आपको इस वीडियो के माध्यम से, आगे भी कुछ हम बनाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, जो कि यहाँ पे बनाए थे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, और हम लोग यहाँ पे पूरा रेडी हो चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं जो कि घर जाने वाले हैं। हाय गाइस, अभी यहाँ पे पिकनिक हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, सभी लोग आराम से खाना वाना खाए हैं और जा रहे हैं हम लोग घर, और टाटा बाय बाय सूरज भाई हम दोनों, और यहाँ पे दो लोग हैं, कुछ बोलेंगे भाई लोग आप लोग, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? यार हम लोग बहुत बहुत गहरा फ्रेंड है हम लोग में, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत सही लग रहा है, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं चढ़ पाई देखो भाई ये संगम भाई, यहाँ पे कुछ खाना खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं घर पे। आप सभी को तहे दिल से आपके और आपके परिवार को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली नहीं भाई हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, साल 2023 आपके लिए शुभ मंगलमय हो, और मैं हेलमेट लगा रहा हूँ, आप लोग भी हेलमेट लगा के कहीं भी यात्रा करें, और तो मतलब सुरक्षित घर पे पहुंचे, कहीं भी यात्रा करें हेलमेट लगाएं, अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपके और आपके परिवार को बहुत बड़ी दुखद मतलब संवेदना झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों वीडियो के करते हैं यही पेंट, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय टेक केयर। हाय गाइस, अभी हम लोग आ रहे थे बसुरी जंगल से, एक घर जाते समय, और यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को मतलब हम लोगों में से कुछ लोगों से दिखा है, वो भागते हुए ऊँख में दिखा है, अगर आप लोग को पकड़ना हो तो ऊँख में जाइए।